कोविड-19 को लेकर के जहां देश ही नहीं विदेश के लोग काफी परेशान दिखे, वहीं आज मोदी सरकार का एक साल का कार्यकाल पूरा हो गया, उसके उपलक्ष्य में हमारे साथ कुछ लोग स्टूडियो में मौजूद हैं। आइए बात करते हैं, देखते हैं क्या लोगों का रुझान है। पहले तो अंकुश दीक्षित एक नेता है, भाजपा नेता है, युवा नेता है। अंकुश, क्या लगता है मोदी जी के कार्यकाल में किन मुद्दों पे जो सरकार को काम करना चाहिए था, सरकार ने सही से काम किया या नहीं किया? मैं अंकुश दीक्षित, नगर मंत्री भारतीय जनता पार्टी। भाई साहब, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और आज हमारी सरकार का, माननीय मोदी जी केंद्र सरकार का एक साल पूरा हुआ है और बहुत खुशी का दिन है हम लोगों के लिए, देश की जनता के लिए बहुत खुशी का दिन है। पर इसके साथ दुखी का भी दिन इसलिए है कि ऐसी महामारी में पूरा देश जूझ रहा है, जो कि पूरा देश परेशान है। मोदी जी हर तरीके से हर समय देश के लिए खड़े हैं और जो भी उनसे होगा पूरा वो देश के लिए करेंगे। और सारे अधिकारियों को भी निर्देश दिया है, मुख्यमंत्रियों को भी निर्देश दिया है कि जनता को कभी भी किसी प्रकार की दिक्कत ना हो, ना खाने पीने की, ना रहने की, ना आने जाने की, कहीं उनको एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाया जाए उसमें भी उन्हें दिक्कत ना होनी चाहिए। और ये बहुत खुशी का दिन है आज। वही हमारे साथ दूसरे युवा नेता ब्राह्मण समाज से गौरव मिश्रा। गौरव, क्या कहना चाहेंगे, मोदी सरकार का आज एक वर्ष पूरा हुआ, कहां तक आपको लगता है कि सरकार अपने एजेंडे पे कायम रही? सरकार के द्वारा जो ये नीतियां हो रही हैं कोरोना महामारी में, और ये सरकार बहुत तत्पर है कार्य करने के लिए और बहुत गरीबों के लिए और असहाय लोगों के लिए, विकलांगों के लिए, सबके लिए, ये अपने लिए बहुत कुछ कार्य करने के लिए तत्पर है। लेकिन कुछ इस सरकार में एक साल में मुझे एक चीज नहीं दिखी, रोजगार। युवा बहुत बेरोजगार है यहाँ पे उत्तर प्रदेश में। इस महामारी में निकल के आया है कि जहाँ के उत्तर प्रदेश और पड़ोसी हमारे बिहार, मध्य प्रदेश के, यहाँ के जितने यहाँ के रोजगार के लिए लोग वहाँ पे जाते थे और इस महामारी में यहाँ पे आने में उनको कितनी तकलीफ हुई है, और उसमें सरकार का सहयोग ये बहुत ही रहा है, लेकिन उतना सहयोग नहीं हो पाया, उन्हें कष्ट मिला आने जाने में। सरकार के द्वारा नीतियां कराई गई लेकिन उतनी 100% नहीं हो पाया। क्या लगता है किन एजेंडों को लेकर के सरकार को अब और थोड़ा सा सुधार करने की जरूरत? सर, रोजगार, अब यहाँ पे रोजगार के लिए बहुत समस्या है उत्तर प्रदेश में। उत्तर प्रदेश में और जिले में इतने बेरोजगार हो गए हैं लोग, यहाँ भुखमरी आ जाएगी। और यहाँ पे उद्योग कारखाने सरकार द्वारा लगाए जाए जिससे यहाँ के दिहाड़ी मजदूर बेरोजगार जो बाहर प्रदेश जाके कमाते थे उन्हें यहाँ पे रोजगार मिले, जिससे वो अपने देश में, अपने प्रदेश में रह सके। वही बात करते हैं अंकुश जी से। अंकुश जी, क्या कहना चाहेंगे, गौरव जी का जो कहना, क्या कहां तक सही लग रहा है? चलिए, सब सही है, हमारे भाई साहब ने बताया है रोजगार के लिए। अभी समय ऐसा है कि पहले हमें महामारी से निपटना है, जो कि ऐसी बीमारी आई है जिससे हमें सामना करना है और जीत हासिल करनी है। इसके बाद रोजगार होगा, रोजगार का मुद्दा जो है इसके बाद होगा। पहले हमें महामारी से निपटना है, जो कि हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जी पूरा सहयोग कर रहे हैं और जनता से भी अपील कर रहे हैं कि जनता भी उनका सहयोग करे, उनके साथ चले और उनका पूरा सहयोग करे। देखने वाली बात ये होगी कि जहां भाजपा नेता का कहना है कि इस समय देश में कोरोना कोविड-19 को लेकर के जो महामारी फैली हुई है, पहले हमको उससे मिलकर लड़ना है, उसके बाद रोजगार के बारे में सोचा जाएगा। अब ये तो आने वाले समय में पता चलेगा सरकार इस समय किन मुद्दों को लेकर गंभीर नजर आ रही है। राहुल मिश्रा, आर एक्सप्रेस, रायपुर।